आज का टॉपिक क्या है? कुड ए ब्लैक होल डिस्ट्रॉय अर्थ? लेट्स सी। क्वेश्चन से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल फॉर्म कैसे हुए थे। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तभी फॉर्म हुए थे ब्लैक होल। अब जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? स्टेलर ब्लैक होल्स अगर नहीं पता, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, वो देखो। स्टेलर ब्लैक होल्स जो होते हैं वो जब एक स्टार अपने आप में ही कोलैप्स कर जाता है तब स्टेलर ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। कोलैप्स मतलब सिकुड़ना। अब जब ये होता है तो एक सुपरनोवा एक्सप्लोशन फॉर्म होता है। जिससे सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा वो होता है जब एक स्टार एक्सप्लोर करता है और अपने पार्ट्स स्पेस में छोड़ता है बहुत दूर दूर तक, तो सुपरनोवा एक्सप्लोशन फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है? कुड ए ब्लैक होल डिस्ट्रॉय अर्थ? सो ब्लैक होल ये नहीं रहता है क्या कि घूमेंगे स्टार्स खाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता ब्लैक होल के साथ। ब्लैक होल बस एक स्टार जो रहता है कोलैप्स कर जाता है। तो अब जहाँ तक अर्थ की बात है गाइस, तो गाइस अर्थ के आसपास कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं है जिससे अर्थ डिस्ट्रॉय हो सके, अर्थ उसकी ग्रेविटी अर्थ को पुल कर सके। तो बस अभी तक बचे हुए हैं, तो अभी तो हम लोग को कोई ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वैसे अगर कोई नॉलेज मिली तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। छोटे वीडियो रहते हैं तो तुम लोग जल्दी देखो, ख़त्म करो। ओके।